गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटर। आज का टॉपिक है कहानी, लाठी कहानी। देखिए, दो कहानियाँ आपकी कंप्लीट करा चुके हैं, तीसरी कहानी लाठी आज लिखाने जा रहे हैं। इसको दो भाग में लिखाएंगे, चूँकि बड़ी है, आधा आज आधा कल, ध्यान रखिए इस चीज़ को। और पढ़ के इसलिए बताते हैं, उससे हम चाहें तो आपको सेंड कर दें, किसे कोई शब्द आप लिख रहे हैं देख कर नहीं समझ में आ रहा तो हम बोल रहे हैं, बोलने से आपकी समझ में आ जाएगा। जान जाएगा, देखिए ध्यान से। लाठी, इसके लिए शिवानी। प्रश्न, लाठी कहानी का सारांश या कथा वस्तु लिखिए। उत्तर, लाठी कहानी का सारांश। अब देखिए, कथा नायक कप्तान जोशी की पत्नी बानो को क्षय रोग हो गया है, जिसे ससुराल के लोग कप्तान की अनुपस्थिति में गोठिया सैनिटोरियम में छोड़ आए थे। कप्तान जोशी बानो से अत्यधिक प्रेम करता था। विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध हेतु बसरा जाना पड़ा। तब बानो केवल 16 वर्ष की थी। अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने साथ साथ ननदों के ताने सुने, भाई भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बुने, तेज धूप में छतों पर 5-5 शेर उड़द पीसकर बड़ियाँ बनाई। उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई। उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है, जिसमें आने की कोई उम्मीद या आशा न थी। इसी कारण, इन सभी कारणों से निरंतर संघर्ष करते हुए बानो को क्षय रोग हो गया। पैरा बदल दीजिए। कप्तान पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता था। जब वह 2 वर्ष बाद लौटा तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सैनिटोरियम में भेज दिया है। वह दूसरे दिन ही वहां पहुंच गया। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे भेद खोल दिए। सैनिटोरियम के डॉक्टरों द्वारा बानो की स्थिति बिगड़ने पर कमरा खाली करने का उसे आदेश दे दिया गया। कप्तान भूमिका बनाते हुए बानो से कहते हैं, अब यहाँ मन नहीं लगता, कल कहीं और चलेंगे। वह दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में बिना कोई परहेज किए सावधानी पूर्वक लगा रहता है। ये आपका आधा मैं याद करा दिया है, आधा कल हो जाएगा, तो दोनों जब मिल जाएंगे तब एक कहानी अपनी पूरी हो जाएगी।